शुभकामनाएं और राम राम। और आज हमने बनाए हैं पीले चावल जर्दे वाले, तो आइए किचन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पीले चावल कैसे हमने बनाए हैं। ये देखिए, ये हमारे चावल बनकर हो गए हैं तैयार ड्राई फ्रूट के साथ, और कैसे बने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ, घूमने नहीं चलेगी क्या? ना, अभी नहीं जा रही। आज हम वो बना रहे हैं पीले जर्दे वाले चावल। अच्छा अच्छा, आज तो मैं तो छोटू राम की जयंती मना के आया। अरे वाह, पंचमी है, बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी हमारी शादी भी हुई थी। हाँ, शादी भी हुई थी। धर्म के मुताबिक आज हमारी सालगिरह है। हाँ, उस टाइम 10 तारीख थी। ये आगे पीछे होती रहती है। तारीख तो गड़बड़ है, लेकिन हिंदू जो महीने के मुताबिक बसंत पंचमी। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा, तो क्या गिफ्ट दे रहे हो फिर? गिफ्ट ही गिफ्ट है ना भाई, गिफ्ट चाहिए हमें तो। जिंदगी इतनी अच्छी ना, हमें गिफ्ट चाहिए ना, हमें तो गिफ्ट चाहिए। जो भी ले लो, गिफ्ट क्या है? लाओ ये मालकिन तो ही है ना, नाम के मालकिन है। तो ये हमने चावलों का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। पानी उबाल लिया है और ये एक कटोरी चावल हम इसमें डाल देंगे और ये उबालेंगे कितनी देर? जब तक ये पक जाएंगे। पक जाएंगे। हाफ बॉयल करेंगे इनको। हाँ। 6 से 7 मिनट के लिए हम इनको पका लेंगे। 6 मिनट में कौन पका है तो कुछ टाइम लगेगा। टाइम तो इसमें क्या चीनी डाल दी? कुछ नहीं डाला अभी। अच्छा, तो उबालना है एक बार। अच्छा, अभी हम इनको उबालेंगे। और ये हमने काट लिए हैं ड्राई फ्रूट। ये ले लिया हमने पीला कलर। और एक बार थोड़ा उबल जाए फिर। हाँ, उसके बाद हम मसालों में ये चकरी वकरी और ये भी आपको दिखाएंगे, कुछ और भी डालेंगे। पीले बेर भी खाए जाते हैं। तो दुआन साहब ने तो सारे बेर लेके बैठ गए। मैं राजस्थान से लाई थी, अलवर के रामगढ़ से। पूरी मंडी लगती है वहाँ। मैं लाई थी 6 केजी, सब बांट दिए। अब ये 3-4 बचे हमारे लिए। ये देखिए, ये भी पीले, पूरा मार्केट पूरे पीले तिरपाल लगा के इतने सुंदर बना रखी थी उन्होंने, इतने सुंदर लग रहे थे। चावल पकते पकते हो गए हैं। 10 मिनट हो गए। हाँ, हो गया। 10 मिनट चावल हमने पका लिए हैं और अब हम डालेंगे इसमें कलर। ये डाल दिया हमने पीला कलर, बसंती कलर, और ये हो गए हैं बसंती। क्यों भाई बसंती? मैं चुन्नी भी बसंती ऑर्डर किया। देख, हाँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, हमारे रंग दे बसंती चो, रंग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती आ गया, मस्ताना मौसम छा गया। चलो जी, गाने तो हमें नहीं आते हैं, लेकिन हम आते कोशिश आते करते हैं। तेरे कनु गुआऊगी फिर एक। अब क्या कह रहा कि फिर बस अब की गंजना छाना ना चलनी लियो। अच्छा, अभी हम इनको छानेंगे। चावल हमारे पूरी तरह से तैयार है और अब हम इनका ये मांड और ये पानी निकाल देते हैं, क्योंकि ये निकालना पड़ता है, नहीं तो चिपक जाते हैं। अभी एक बार हम देंगे इनको तड़का मारेंगे ना हम। हाँ, तो ये हमने चावल पूरी तरह से साफ कर लिए, थोड़े से ठंडे पानी से। एक एक चावल का दाना इसमें खिल जाएगा, खिलना चाहिए। बड़े बासमती, अच्छे वाले बासमती ले लो आप। ये हमने कढ़ाई ले ली है दोबारा से और अब इसमें डालेंगे देसी घी। जर्दे वाले चावल देसी घी में अच्छे लगते हैं। और अब इसमें कुछ डालेंगे हम मसाले। अच्छा, मसालों की बात करें तो हमने इसमें डाल दिया है लौंग, दालचीनी, 1 चक्री फूल, और तो नहीं है ना कुछ, बस ये चीज़ें डाली हमने अभी। और अभी डाल देंगे चीनी और उसके बाद डाल देते हैं, कम कर दे कर आँच चीनी, इसको सिम कर देते हैं हम। अब इंतजार चढ़े बना, थोड़ा सोया, ये देखो पानी दे दे, थोड़ा सोया है। और अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे, मतलब ये पिघल जाएगी। कैरामेल नहीं करेंगे हम, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको पिघला लेंगे। कैरामेल करके भी बनाते हैं, बिल्कुल थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, ज़्यादा ना। हाँ, ना ना, ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये जब तक अब ये पिघलेगी, चाशनी बनेगी, तब तक हम पकाते रहेंगे। इधर हमारे चावल तैयार हैं और ये मैंने आज घी बनाया था, क्योंकि मैं कई दिनों से बाहर थी तो मलाई काफ़ी दिनों से इकट्ठी कर रखी थी। इसका बना दिया है घी और ये चाशनी भी हमारी अब बनने वाली है। और वो फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट बाहर डालें। अच्छा, और चावल को इतना पकाना है कि ये हाथ से ऐसे करो तो टूट जाए। अगर कच्चे रह गए तो चाशनी में नहीं पकेंगे। लाओ, अब चावल लाओ, मैं ले।
तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये चावल। चावल आ गए हमारे लोग, और साथ में ही डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट डालने हैं इसमें। मैं हमने खोपरा, खोपरे की छोटी छोटी चिटक, किशमिश, बादाम, काजू, ये आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हो जो आपको आपके घर में हो। हाँ, जो आपके घर में हो वो आप डाल सकते हो इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है अभी आप ये चीज़ें चाहिए चाहिए। अभी बस हम 5 से 7 मिनट और पकाएंगे इनको और चावलों में मिठास चला जाएगी। हाँ, जो चाशनी हमने बनाई है वो चावल सोख लेंगे, चावल पके हुए हैं लेकिन जो चाशनी वाला पानी है ये सोख लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया जर्दे वाले चावल ये बन गए। इनको जर्दे वाले चावल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बसंत पंचमी के दिन भी बनाते हैं और वैसे ब्याह शादियों में बनाते हैं, जैसे हल्दी हाथ होता है। हाँ। और कोई प्रोग्राम और कोई होता है। हाँ। उसमें भी बनाते हैं। हाँ। तो ये शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, ये फेस्टिवल के चावल। हाँ, माने पीले चावल करने आते हैं। येस, तो येस। ये पीले चावल इसलिए ये शुभ माने जाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आजकल लोगों ने रिवाज छोड़ दिया। हाँ, तो लेकिन आप अपने रीति रिवाज से त्यौहार मनाने चाहिए हमें, और अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी को भी पता चले कि ये चीज़ें हमेशा से बनती आई हैं और बनती रहेंगी। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देखना और ऐसे चावल बनाना और अपने बच्चों को भी बनाना सिखाना। ये 5 से 7 मिनट में बन जाएंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अभी इसका एंड करती हूँ और ये अपने आप पक जाएंगे। धन्यवाद। बनाओ और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये चावल, जब आप खाओगे तो ऐसे वाह वाह करोगे, मुझे याद करोगे। ये देखिए।